नमस्कार दोस्तों, इस जिला में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको सिखाऊंगा जमाबंदी पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, जमाबंदी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है। कुछ जगह इसको फर्द भी बोलते हैं, कुछ जगह इसको ROR भी बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो दोस्तों ये वो रिकॉर्ड होता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाता है लोगों की मलकियत को देखने के लिए। अंग्रेज़ों ने इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा, तैयार करके रखा, क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करना होता था, लगान कलेक्ट करना होता था। तो दोस्तों इसी को आगे यूं का यूं कंटिन्यू किया और आज भी ये एक ट्रस्टेड रिकॉर्ड होता है। आप कहीं जमाबंदी दे के जमानत दे सकते हैं, आप जमाबंदी के बेस पे कोई रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कोई इंतकाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस जमाबंदी को हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। और ये जो जमाबंदी है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है राजस्व रिकॉर्ड में। आपको आपके अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी अगर आपको जमाबंदी पढ़नी है तो हम ये आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास घर पे ऐसी जमाबंदी होगी, इस जमाबंदी में कहाँ पे क्या लिखा हुआ और उसका क्या मतलब है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस जमाबंदी में जो है टोटल 12 खाने होते हैं, 12 जो कॉलम है इसमें 10 दिखाई दे रहे हैं आपको और ये 12 खाने हैं टोटल। तो दोस्तों जमाबंदी के 12 कॉलम जो हैं, इन 12 कॉलम्स में रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है और वो टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते हैं। तो दोस्तों 12 कॉलम में हम आपको दिखाएंगे कि पहला जो कॉलम है वो खेवट नंबर या जमाबंदी नंबर है, दूसरा खतौनी नंबर है, तीसरा नाम तरफ पत्ती, चौथा विवरण सहित मालिक, काश्तकार, सिंचाई, खसरा नंबर, रकबा, किस्म जमीन, दर संख्या, हिस्सा हकीकत पैमाना, माल सवाई, अभियुक्ति। तो दोस्तों ये 12 कॉलम है इसमें, तो हम आपको बता देते हैं कि हर एक कॉलम का क्या मतलब है। तो दोस्तों जो सबसे पहला कॉलम है वो खेवट या जमाबंदी नंबर है, जो आप कॉलम नंबर एक में यहाँ लिखा देख रहे हैं। तो इसमें जो ये खेवट नंबर है आपकी 222 और ये 207 जो पुरानी खेवट नंबर है, मतलब कि ये इंटरवल्स पे तैयार होती रहती है जमाबंदी। और आज के दिन इस खेवट का नंबर 282 है, इससे पहले जो खेवट थी वो 207 नंबर थी। दोस्तों इसी प्रकार ये खतौनी नंबर होगी या खाता नंबर कह सकते हो आप 325। दोस्तों खेवट और खाता क्या होता है, हमने पहले रेवेन्यू के जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो खेवट है वो बड़ा पैमाना है, खतौनी नंबर उसका छोटा पैमाना है। ज़मीन को मेंटेन करने के लिए, ज़मीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये पैमाने तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों एक खेवट होती है, उस खेवट में कई खाते भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक 325 है, इसमें 5-7 जितने भी खाते हो सकते हैं, जितनी बड़ी खेवट होगी। तो दोस्तों उसके बाद कॉलम नंबर 3 पे अगर हम जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है नाम तरफ या पत्ती। तो दोस्तों जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको तो पता है कि भाई तरफ या पत्ती ठोला क्या होता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं लोग उनको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव में जहाँ एग्रीकल्चर लैंड होती है वहाँ पे लोग जो है हर एरिया को अपना नाम दे के रखते हैं। एक गांव को कई ठोलों में बांट दिया जाता है, कई पत्ती में बांट दिया जाता है, कई तरफ में बांट दिया जाता है। वो जो बंटवारा होता है वो एक प्रकार से कास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी के वंशजों के अनुसार भी हो सकता है, किसी एरिया खास, किसी मंदिर खास के अनुसार भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ठोला श्यामलात, कि भाई ये श्यामलात के साथ लगता जो ठोला है ये उस प्रकार की जो ज़मीन है उस एरिया की ज़मीन है। यहाँ पे अब मान लीजिए कुछ जगह सरनेम को भी ठोला बना दिया जाता है, जैसे ठोला ब्राह्मणान, ठोला जाटान, ठोला ऐसे करके आप किसी भी कास्ट का नाम देके जो भी ठोला या पत्ती बना देते हैं, ये उस जगह को डिनोट करता है कि गांव के चारों तरफ ये ज़मीन किस एरिया में है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो है शमलात वाले ठोले के तरफ ये ज़मीन है। उसके बाद कॉलम नंबर 4 जो है विवरण सहित मालिक नाम। तो दोस्तों विवरण सहित मालिक का नाम इस कॉलम में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मालिक हैं उनके नाम लिखे गए हैं, विवरण का मतलब यहाँ पे उनकी मलकियत कितनी है। मान लीजिए हम पहले कोशेरर जो हैं उनकी अगर ज़मीन देखेंगे, उनका 1/3 हिस्सा है यहाँ पे। तो 1/3 का मतलब क्या है मैं आगे कॉलम आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो टोटल ज़मीन होगी उसका 1/3 हिस्सा इनका है। तो इस प्रकार जो और कोशेरर हैं उनके भी कई बार यहाँ पे
मान लीजिए बहुत सारे, अब यहाँ पे क्वेश्चनर बहुत कम है क्योंकि इनका खाता जो है वो टाइम से अलग हो रखा है, तो कई बार क्वेश्चनर जो है वो सैकड़ों भी हो जाते हैं। कोई खेवट ऐसी है जो मान लीजिए 50-60 साल से अलग ही नहीं हुए उसके खाते, उसका बंटवारा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है ये जमाबंदी 20-20, 30-30, 40-40 पेज की भी हो जाती है और उससे ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है। उसके बाद 5 नंबर कॉलम हम जाएंगे विवरण सहित काश्तकार, मतलब कि काश्तकार काश्त करने वाला होता है एग्रीकल्चरल लैंड को जो यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वो नाम यहाँ पे है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि भाई जो मालिक है उसके अलावा भी कोई और बंदा काश्त कर सकता है उस ज़मीन को, तो वो वहाँ पे काश्तकार होगा। लेकिन अगर इस कॉलम में आप पढ़ेंगे तो खुद काश्त व मकबूजा मालकान, मतलब कि खुद काश्त वो खुद अपनी ज़मीन बो रहे हैं, अपनी ज़मीन को कल्टिवेट कर रहे हैं, वह मकबूजा कब्जे में है मालकान, जो ज़मीन के मालिक हैं वही इसको फसल उगा रहे हैं, वही मालिक हैं, वही काबिज हैं। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट कॉलम जो है वो कॉलम नंबर 6 है, कुएं या सिंचाई के अन्य साधन का नाम, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई कुआं होता, कोई सिंचाई का कोई और मान लीजिए ट्यूबवेल या कुछ भी ऐसा होता, तो वो इसको डिनोट करते थे। इसका पर्पज़ था कि भाई इस हिसाब से वैल्यू लगाते थे कि भाई प्रॉपर्टी जो है ये इसके ऊपर कितना लगान लगाना चाहिए, कितनी पैदावार इस एरिया में है, तो ये कॉलम खाली है अभी के लिए। उसके बाद दोस्तों नंबर खसरा या मुरब्बे किले का नंबर, हमने मुरब्बा नंबर और किले नंबर पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे ज़मीन का ज्ञान नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके हर तरह की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर किला मुरब्बा नंबर है और इसके अंदर जो है ये 4 किला नंबर है, 19, 20, 22/2, 22/2 का मतलब है ये दो हिस्सों में टूटा हुआ और दूसरा हिस्सा इनके हिस्से में आया हुआ और 23 नंबर। तो इस प्रकार ये जो है किला नंबर होंगे, ठीक है जी, कितने 4 का मतलब है ये 4 किला नंबर है, कोई गलती ना रहे, गलती गुंजाइश ना हो, क्योंकि यहाँ पे खेवट बहुत छोटी है, खेवट तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। मान लीजिए खेवट कोई 20 पेज की हो तो वहाँ पे कितने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मतलब कितने किले नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, तो कितने 4 कुल मजरुआ, मजरुआ मतलब ज़मीन, तो यहाँ पे 28 कनाल 4 मरले जो ज़मीन है वो टोटल ज़मीन है। उसके बाद रकबा और किस्म ज़मीन, तो यहाँ पे रकबा बताया जाएगा, एरिया बताया जाएगा इसमें कि भाई इन किला नंबरों का कितना रकबा है। 19 किला नंबर का 8 कनाल 0 मरले नहरी रकबा है, मतलब कि 8 कनाल मतलब 1 एकड़ में 8 कनाल ज़मीन होती है और 1 किले में, तो यहाँ पे 19 नंबर जो किला है उसकी ज़मीन 8 कनाल है और 1 किले में 8 कनाल ज़मीन है, मतलब वो पूरा है, ठीक है जी। 20 किला नंबर है उसके 8 कनाल हैं, 22/2 है वो टूटा हुआ, इसका रकबा कम है। तो इस प्रकार जो 4 किला नंबर हैं वो नहरी हैं सारे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नहर का पानी लगता है और नहर का पानी लगने के कारण ये ज़मीन जो है इसका माल दरखास्त की पर्ची भी आती होगी, मतलब कि इरीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा, तो वो गांव का नंबरदार इकट्ठा करता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट में जमा करवाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है। दोस्तों मुजारा एक तरह का टीनेंट होता है और मुजारे जो है पहले होते थे, अब नहीं है, दर और जो लगान पहले लगता था वो अब नहीं लगता, इसलिए ये कॉलम खाली है। उसके बाद हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाज का ढंग, कब्जा पड़त बशरत खेवट नंबर 1। तो दोस्तों ये जो है हकीयत का पैमाना बताया गया है, बाज किस प्रकार से इसकी लिखी गई है। दोस्तों उसके बाद माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग, कि भाई जो माल दरखास्त है उसका और जो सवाई है वो उनका ब्यौरा यहाँ पे लिखा जाता था, तो इस प्रकार ये अभ्युक्ति हो गया। इससे नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम अभियुक्ति का मतलब है कि भाई यहाँ पे अगर कोई रिमार्क आता है, मान लीजिए कोई नया इंतकाल है, मान लीजिए कोई कुछ ट्रांसफ़र डीड का इंतकाल हुआ है या कोई किसी ने लोन लिया हुआ है या किसी ने कोई कुछ भी ज़मीन बेची खरीदी, जो भी है वो यहाँ पे चढ़ाई जाएगी कि भाई इसका जो है ना ये इंतकाल नंबर यहाँ पे आया है, तो वो अभियुक्ति यानी रिमार्क के कॉलम में लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए जमाबंदी के 12 कॉलम। 12 कॉलम के बाद ये ऐसी स्टाम्प होती है तहसील केंद्र की, तारीख लिखी होती है, उसे बाकायदा नीचे फीस भी होती है, हम आपको दिखाएं तो
ये फीस भी होती है इसमें। QR कोड से आप स्कैन करके जेन्युइनिटी को चेक कर सकते हैं। आजकल जो एक इनकी वो है हाल रिस करके हरियाणा की, वहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे इसकी डेट सब कुछ पता कर सकते हो। इसके बाद जो और चीज़ें होती हैं कि भाई आपके पास मान लीजिए जमाबंदी पड़ी है, तो आपको पता करना है ये किसकी है, कहाँ की है, तो यहाँ ऊपर लिखा होता है कि ये किस गांव की है, किस हदबस्त नंबर। हदबस्त नंबर का मतलब है कि भाई गांव के नंबर लगा दिए गए थे, उनके बस्ते का नंबर लगाया गया था रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, फला गांव का 1 नंबर, उस गांव का 5 नंबर, उसका 7 नंबर। उसके बाद ये जिला है, ये उसकी तहसील जहां से वो इशू हुई, और ये साल है, ठीक है जी। तो इस प्रकार आज आपने सीखा कि भाई आपके पास अगर आपकी कोई जमाबंदी है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप उसको समझेंगे, और उसके अंदर आपके पास जो भी जमीन है उसका ब्यौरा आप प्रॉपर जान पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।